नमः शिवाय। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष रविवार त्रयोदशी तिथि आज दिन भर लगी रहेगी। चंद्रमा आज भी दोपहर 1 बजे तक रेवती नक्षत्र में चलते रहेंगे, तत्पश्चात अश्विनी नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। अश्विनी नक्षत्र के जन्मे जातक सुंदर, बुद्धिमान, नम्र स्वभाव वाले, सत्यवादी, धनी और भाग्यशाली होते हैं। ऐसे जातक ईश्वर भक्त, बुद्धिमत्तापूर्ण काम करने वाले, आभूषणों और रत्नों के प्रेमी और चंचल प्रवृत्ति के होते हैं। ये अत्यधिक महत्वाकांक्षी और परिवर्तनशील विचारधारा वाले, ज्योतिष और आध्यात्म में रुचि रखने वाले भी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, केतु, बुध और मंगल की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। आज चंद्रमा दोपहर तक मीन राशि में, तत्पश्चात मेष राशि में चलते रहेंगे। ऐसे जातकों की 27 दिन बाद फिर इसी नक्षत्र में गंडमूल शांति करानी चाहिए। आज दोपहर बाद से सूर्य, बुध और चंद्रमा की युति एक साथ कायम हो जाएगी, जिसका प्रत्येक प्राणी पर उनके अपने कारकों के अनुसार मानसिकता और कार्यशैली प्रभावित होगी। मेष राशि के जातकों के लिए अमावस्या का असर दोपहर बाद से आपके शारीरिक और मानसिक स्तर पर पड़ने लगेगा। साथ ही साथ चंद्रमा आज केतु के नक्षत्र में चल रहे हैं, इसलिए मानसिक व्यग्रता, हर काम करने के प्रति जल्दबाजी और स्वभाव में उग्रता संभावित है। परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए अपने आप को संयमित रखें, ऊर्जावान बने रहेंगे। कार्य क्षेत्र की निरंतरता बरकरार रहेगी, नई कार्य योजनाओं का प्रस्ताव विकसित करने में मदद मिलेगी और आर्थिक लाभ के नए अवसर सामने आएंगे। अपने सामान के प्रति सावधानी बनाए रखें, चोरी होने का अंदेशा बनता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है, शैक्षणिक कार्यों में सफलता मिल सकती है, अपने प्रयास जारी रखें। वृष राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी चाहिए। आँखों की एलर्जी व हड्डी से संबंधित समस्याएं संभावित हैं। आज केतु का नक्षत्र होने से हर काम करने के प्रति अनावश्यक जल्दबाजी, व्यग्रता और धन खर्च की स्थिति संभावित है। हालांकि आपकी कार्य योजनाएं पूर्ववत चलती रहेंगी और नई कार्य योजना के लिए आपकी तत्परता और क्रियाशीलता बरकरार रहेगी। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा, मगर निजी सुख संसाधनों पर आज खर्च की स्थिति बनती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, पारिवारिक दायित्व की पूर्ति होगी और अचानक छोटी यात्रा का योग भी बनता है। मिथुन राशि के जातकों के लिए कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी, नई कार्य योजनाओं के प्रस्ताव सामने आएंगे और उसको आप सरलता से संपन्न भी कर सकते हैं। सफलता के शिखर तक पहुंचने से आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और पारिवारिक प्रेरणा सकारात्मक रूप से मिलती रहेगी। आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी, जिसमें आपके बुद्धि कौशल का निवेश महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। संतान संबंधी उद्देश्यों की पूर्ति होगी, मगर थोड़ा मानसिक दबाव भी संभव है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आज का दिन उत्तम है। पूरे दिन सम्मानजनक स्थिति बनी रहेगी और पारिवारिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। कर्क राशि के जातकों के व्यवसाय संबंधी मामलों में पूरी तरह से सफलता का संकेत मिलता है। आपकी कार्य योजनाएं मन मुताबिक ढंग से पूरी होंगी और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, मगर संबंधित मामलों में भाग दौड़ और मानसिक उद्विग्नता की स्थिति भी बनी रहेगी। विभागीय कर्मचारियों व अधिकारियों का सहयोग कायम रहेगा और लाभ की उम्मीद बनती है, मगर संतान संबंधी चिंता मन में लगी रहेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा, परिश्रम के अनुसार फल की प्राप्ति होगी। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। सिंह राशि के जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटें खत्म होंगी और काम करने में मन लगेगा। आत्मविश्वास और सक्रियता में सुधार होगा और कार्य योजनाओं में गति आएगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना हुआ है, मगर आज दोपहर बाद आपका संकोची स्वभाव और मानसिक व्यग्रता क्रियाशीलता को प्रभावित कर सकते हैं। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी और धार्मिक भावना में वृद्धि होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, अध्ययन अध्यापन के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अभ्यास जारी रखें। साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी मामलों में जटिलताएं संभावित हैं, उचित दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए।
कन्या राशि के जातकों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी, मगर नई कार्य योजनाओं के लिए आपकी सक्रियता प्रभावित हो सकती है। साझेदारी के कामों में मन कम लगेगा और संबंधित मामलों में यात्रा का संकेत मिलता है। मन के नकारात्मक विचारों से परहेज करें, सार्थक प्रयास जारी रखें, सफल रहेंगे। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा, मगर संतान संबंधी चिंता बढ़ सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, अध्ययन अध्यापन में सहयोग मिलता रहेगा और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। तुला राशि के जातकों के लिए अच्छे समय का संकेत मिलता है। मानसिक और शारीरिक स्तर की ऊर्जा बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में दृढ़ इच्छा शक्ति और सकारात्मक पहल जारी रहेगी और नई कार्य योजनाओं को लागू करने में सफल रहेंगे। हालांकि कुछ कामों में नकारात्मक विचार पहल करेंगे और रुकावट की संभावना बनती है, मगर अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। साझेदारी के कामों में सावधानी बरकरार रखें। कार्य क्षेत्र की गति प्रभावित हो सकती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, अध्ययन अध्यापन में सफलता मिल सकती है। पारिवारिक सहयोग बना रहेगा और सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शारीरिक स्वास्थ्य, कार्य योजनाएं और मानसिक ऊर्जा स्तर प्रभावित हो सकता है। नई कार्य योजनाओं के प्रति दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास के प्रभावित होने का संकेत मिलता है। हालांकि शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा और कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी। रुके हुए काम संपन्न हो सकते हैं। आर्थिक लाभ की स्थिति सामान्य रहेगी, मगर आवश्यक संसाधनों के कारण वित्तीय संकट की संभावना भी बनती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, अध्ययन अध्यापन में मेहनत करनी पड़ेगी और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। धनु राशि वाले जातकों के कामों में आ रही रुकावटें खत्म होंगी। उत्साह और कार्य योजनाओं को सुधारने की प्रवृत्ति और साथ ही साथ सरकारी कामकाज से निपटाने की कोशिश बनी रहेगी। अधूरे काम पूरे होंगे, नई कार्य योजनाओं को लागू करने में सफल रहेंगे और आर्थिक लाभ की स्थिति मन मुताबिक बनी रहेगी। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग भी बरकरार रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक रहेगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने का संकेत मिलता है, मगर स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। नसों और हड्डी से संबंधित समस्याएं संभावित हैं। मकर राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र से संबंधित मामले पूरे होंगे और निजी मामलों के संदर्भ में आर्थिक निवेश की सोच विकसित होगी। हालांकि कार्य योजनाओं में सार्थक प्रयास एक जुनून के रूप में जारी रहेगा। पारिवारिक सुख संतुष्टि और भविष्य को सुरक्षित करने की मनोवृत्ति पैदा होगी, मगर तात्कालिक आर्थिक लाभ सामान्य बना रहेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे और स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी रखनी पड़ेगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोगी रहेगा, अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आज का दिन पराक्रम बढ़ाने वाला होगा, मगर तर्क वितर्क करने की मनोवृत्ति भी बनी रहेगी। मन का अंतर्द्वंद आपकी कार्य क्षमता और आत्मविश्वास को प्रभावित कर सकता है। हालांकि कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी और आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा। बड़े बुजुर्गों का सहयोग और उनकी प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी। सारी सुख सुविधाएं होने के बावजूद भी मन एक अज्ञात भय से ग्रस्त रहेगा। अनावश्यक वाद विवाद वाली जगहों पर जाना उचित नहीं होगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा, सकारात्मक प्रयास जारी रखें। मीन राशि वाले जातकों के लिए हर कामों में अतिविश्वास की भावना जागृत होगी और धोखाधड़ी का संकेत मिलता है। हालांकि कार्य योजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी और आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। नई कार्य योजनाओं के लिए आज का दिन उचित नहीं होगा। महत्वपूर्ण और ठोस निर्णय सोच समझकर सावधानी से लेने चाहिए। अमावस्या का असर आपके ऊपर भी जारी रहेगा, जिसके कार्य क्षेत्र के प्रति संजीदगी और आत्मविश्वास प्रभावित हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा, शिक्षा प्रतियोगिता में मेहनत करनी पड़ेगी, साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक सावधानी बनाए रखें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।